प्रदेश इंडिया बोल रहा है निखिल के साथ। नमस्कार, मैं हूं निखिल। कोविड 19 के इस दौर में दो संदेश आप लगातार सुन रहे हैं। पहला ये कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और दूसरा सामाजिक दूरी बनाए रखिए। लेकिन बावजूद इसके मैं 130 करोड़ भारतीयों की ओर से आज सफ़र में निकला हूँ, उन अमर शहीदों को याद करने, उनके परिवार को ये यकीन दिलाने कि देश हर हाल में हर वक्त सदा उनके साथ खड़ा है। देश के लिए तैयार रहता था हर काम में। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरा लड़का देश के लिए जान दिया उसने। हम शहीद शब्बीर खान जी के घर में आ गए हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि दर्शक ये देख लें कि शब्बीर खान जी की तस्वीर यहाँ पर आप देख रहे होंगे। 1962 में आप शहीद हुए थे, आप नुआ गांव से हैं, आप अविवाहित थे, और हमारे साथ इस वक्त उनके जो भाई हैं कादर खान साहब, वो हैं। हम उनसे पूरी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे। 18 साल उम्र में शब्बीर खान, और 14 महीना पहले तुम्हारे पिताजी चलता रहा, और 14 महीना बाद में माँ चलती रही, माता चलते आ रही, फिर यहीं मेरे फूल चीनर परिवस्त हो गया। परिवस्त होने के बाद मेरी शादी होगी, और वो फिर फौज में चला गया। मकान के खातिर कजाओ करो, समझे उन्हें कजाओ, ईंट ईंट करी। 28 दिन की छुट्टी आयो, जब ये शादी करने को मारो विचार कर शादी रिश्तों का रखियो, रिश्ते के खातिर मैं तावड़ कर जब नटियो, बोलो मैं अब तो छुट्टी थोड़ो आयो, और फिर द्वार माऊँ ना छुट्टी से शादी कर दी। ठीक है, सिख राज में जादू जादू के नाम गाँव है बिगम, रिश्तों पर रखियो, खत्म हो गया। पहले माँ खत्म हो गई, बाप खत्म हो गया, फिर माँ खत्म हो गई। मैं 14 महीना के 20 मिनट मिल गया साहब। 62 में ये शहीद हो गया। हाँ, 62 में ये शहीद हो गया। नमस्कार, मैं हूं निखिल। देश इंडिया बोल रहा है निखिल के साथ। देश इंडिया बोल रहा है निखिल के साथ।